प्रियो, आज की सुबह मैं विश्वास करता हूं आप आनंदित हैं, आनंदित हैं। हालेलुया, यस, क्योंकि प्रभु ने हमें एक और दिन दिया, एक और सुबह दी कि आज की सुबह में हम परमेश्वर के कलाम को सुन सके, रिसीव कर सके। और आरंभ में एक गीत गाया गया और मुझे इस गीत ने बहुत ब्लेस किया, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। मुझे नहीं पता कि ये गीत मेरे मैसेज से रिलेट करेगा। हम उस गीत में एक लाइन को गा रहे थे बार बार, यीशुआ यीशुआ। हम अपने जीवन में प्रभु को आमंत्रित करते हैं ताकि हम इस बात की घोषणा कर सकें कि परमेश्वर के बिना हम कुछ भी नहीं है, हमें यीशु की आवश्यकता है। और यीशु मसीह जो मेरा और आपका परमेश्वर है, उसकी ये इच्छा है कि उसके संतानें, उसके लोग उसके पास आए। हालेलुया, क्योंकि बाइबल बताती है प्रियो कि यीशु मसीह इनवाइट करते हैं लोगों को, यीशु मसीह आमंत्रित करते हैं लोगों को कि वो प्रभु के पास आए, प्रभु के पास आए। और आज सुबह मैं इसी टॉपिक को लेके आपके बीच में आया हूं और एक इनविटेशन को लेके जो प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं दिया आपके बीच में आया हूं। आज की सुबह प्रभु एक इनविटेशन आपको दे रहे हैं। बाइबल बताती है मत्ती उसका 11 अध्याय और उसके 28वें पद में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया, प्रभु यीशु एक बात कह रहे हैं प्रियो, और वो कह रहे हैं हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। एक इनविटेशन यीशु मसीह आज की सुबह उन तमाम लोगों को दे रहे हैं जो आज किसी भी प्रकार के परिश्रम में हैं, किसी भी प्रकार से बोझों से दबे हुए लोग हैं, किसी भी प्रकार से चाहे वो पाप का बोझ हो, गुनाह का बोझ हो, या किसी भी प्रकार का वो परिश्रम कर रहे हैं, आज सुबह प्रभु उन्हें इनवाइट कर रहे हैं और कह रहे हैं मेरे पास आओ। मैं इसके बैकग्राउंड में जाना चाहता हूं। मालूम है ये इनविटेशन यीशु मसीह ने यहूदियों लोगों को दिया और वो जानते थे, यीशु मसीह ने जब इस बात को कहा हे परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, तो वो उन लोगों से बात कर रहे थे क्योंकि यीशु देख रहे थे ये बहुत परिश्रम कर रहे हैं। मालूम किस लिए? कि ये परमेश्वर के साथ जुड़ सके, अपने उद्धार के कार्य को कर सके। और उन्हें ऐसा लगता था कि हमारे जो धर्म के काम हैं, हमारे जो कार्य हैं, उनके द्वारा हम मोक्ष पा सकते हैं, उद्धार पा सकते हैं। और बहुत परिश्रम करते थे, फॉलो करने का प्रयास करते थे परमेश्वर की आज्ञाओं को, उसकी व्यवस्था को। और पता है परमेश्वर का वचन कहता है यदि तुम सारी आज्ञाओं में से एक में भी चूक गए तो तुम सब में चूक गए। और प्रभु के कलाम में लिखा, प्रभु ने इस स्ट्रगल को लोगों के जीवन में देखा, यीशु मसीह ने इस स्ट्रगल को देखा कि इन्होंने बहुत सारी रीतियां बना ली हैं, बहुत सारे रीति रिवाज क्रिएट कर लिए हैं और ये अपने बल से अपने उद्धार को कमाना चाहते हैं और वो परिश्रम करते थे। इसी परिश्रम को देखकर प्रभु यीशु मसीह ने कहा हे परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ। क्यों यीशु ने इस इनविटेशन को दे रहे थे, क्यों यीशु मसीह उन्हें बुला रहे थे कि तुम मेरे पास आओ? मालूम है क्यों? क्योंकि वो जानते थे, इसीलिए उन्होंने इससे ऊपर कुछ बात को कहा। 27वें पद को अगर हम देखें तो लिखा है मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है और कोई पुत्र को नहीं जानता केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता केवल पुत्र, और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। हालेलुया, प्रभु कह रहे कोई नहीं जानता पिता को, केवल पुत्र जानता, और पिता ने उसे सब कुछ सौंपा है। क्यों इतने विश्वास से प्रभु यीशु मसीह कह रहे थे कि
मेरे पास आओ। मालूम है आज आपसे कहना चाहता हूँ, जितने लोग इस समय मुझे सुन रहे हैं चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म पर हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यीशु मसीह इस इनविटेशन को इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उन्होंने क्रूस पर इस कार्य को पूरा किया है। हर एक धार्मिकता जो हमें परमेश्वर से जोड़ती है, उस धार्मिकता के कार्य को प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर पूरा किया। उसके लहू बहाए जाने के द्वारा मेरा मेल परमेश्वर पिता से हो गया। हालेलुया। आज फादर्स डे है तो मैं आज अपने पिता की बात करता हूँ जो हमारे और आपके पिता है, स्वर्गीय पिता। पता है, उस पिता से मिलाने के लिए प्रभु यीशु संसार में आए और उस पिता से मेरा संबंध जोड़ने के लिए उसने अपने बलिदान को क्रूस पर किया और तीसरे दिन जब वो मृतकों में से जी उठा, तो आज ये इनविटेशन मेरे और आपके लिए पूरा होता है। प्रभु कहता है कि परिश्रम जो तुम कर रहे हो वो व्यर्थ है क्योंकि तुम परिश्रम करके कुछ नहीं कर सकते। प्रभु ने इसलिए सिंपल सा मार्ग बताया, मैंने मृत्यु को जीत लिया, मैंने जब अपने आप को तुम्हारे लिए क्रूस पर दिया और तीसरे दिन मैं जी उठा, तो अनंत जीवन मेरे पास है और मैं तुम्हें देता हूँ। सेंट मेंट प्रभु इसलिए पुकार रहे थे उन लोगों को और आज पुकार रहे हैं मुझे और आपको कि हमें उसके पास जाना है। यीशु कहते हैं जो कोई भी परिश्रम कर रहा है, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का, परमेश्वर किसी धर्म के लिए नहीं आए, परंतु परमेश्वर हर एक मनुष्य जाति के लिए, हर एक मनुष्य के लिए संसार में आए। इसलिए प्रभु का वचन कहता है यूहन्ना 3:16 में, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में दे दिया ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो वरन अनंत जीवन पाए। हालेलुया। और आज वो ये पुकार रहे हैं, कह रहे हैं परिश्रम करने वालों। आज हो सकता है लोग परिवारों में परिश्रम कर रहे हैं, आज हो सकता है उनके जीवनों में बहुत परिश्रम है, लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं पर प्रतिफल नहीं मिल पा रहा है, बहुत परिश्रम कर रहे हैं, परिवार को जोड़ने का परिश्रम कर रहे हैं, फैमिली में डिस्प्यूट्स पाए जा रहे हैं तो उसको करेक्ट करने का परिश्रम कर रहे हैं, गुनाह पाप के बोझ से दबे हुए जीवन है। आज प्रभु उन तमाम जीवनों को एक बात कह रहा है, कम टू मी, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। मालूम है ये परमेश्वर आपको जीवन देता है और न सिर्फ जीवन देता है वरन अनंत जीवन देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मैं कल एक बात कर रहा था, एक स्थान पे था और मेमोरियल सर्विस थी और मैंने एक बात को शेयर किया। पौलुस कहते हैं फिलिपियों की पत्री उसका 1:21 में कहते हैं, जीना मेरे लिए मसीह में एक आवश्यकता है पर मर जाना, इसके बाद कहते हैं कि मर जाना मेरे लिए लाभ है। आप सोच के देखिए, प्रभु का दास क्यों कह रहा है कि मर जाना लाभ है। मैंने वहां शेयर किया, मैंने कहा आपको लगता है कि जब हमारा कोई अजीज इस संसार से चला जाता है तो ये हमारे लिए लॉस है, ये हमारे लिए दुख की बात है। यस है, एक बड़ा लॉस है, पर पता है प्रभु का दास एक बात कह रहा है मेरे लिए ये गेन है। और वो उस कलीसिया को संबोधित कर रहा था जो मसीह यीशु में थी और आज उसी कलीसिया के लिए परमेश्वर की आशा है जो आपके और मेरे लिए है कि हमारे लिए मर जाना लाभ है। यदि हम प्रभु में होके मरते हैं, यदि हम मसीह में होके संसार से कूच करते हैं तो हमारे लिए लाभ की बात है, क्योंकि वो जानता था कि उसने अपनी दौड़ को प्रभु यीशु मसीह में पूरा किया है, उसका निशाना यीशु मसीह है और वो उस दौड़ में दौड़ता चला गया। इसलिए वो कह रहा है अब मृत्यु का डर मेरे पास नहीं है, मृत्यु का कोई भय नहीं है, अगर मैं संसार से जाऊंगा तो ये मेरे लिए लाभ है क्योंकि संसार में मुझे दुख होता है, मुझे पीड़ा है, मुझे तकलीफ है, नाना प्रकार की अभिलाषाएं परिश्रम है, पर जो जीवन में प्राप्त करने पर हूं, जो अनंत जीवन है, उसमें आनंद है, उसमें शांति है, वहां कोई पीड़ा नहीं। प्रकाशित वाक्य में लिखा है वो तुम्हारी आंखों से सारे आंसू पोंछ डालेगा, वहां कोई मेहनत नहीं, कोई तकलीफ नहीं। इसलिए प्रभु कह रहे मेरे पास आओ, मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा। जहां आज तुम पीड़ा में हो, जहां तुम आज तकलीफ में हो, जहां तुम आज बहुत परिश्रम कर रहे हो, उन सारे परिश्रमों से मैं तुम्हें आजाद करूंगा।
हालेलुया, हालेलुया। आज आवश्यकता है कि मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के पास आए, प्रभु यीशु के पास आ जाएं। कैसे भी प्रकार का परिश्रम हो, चाहे आत्मिक जीवन में हो, चाहे सांसारिक जीवन में हो, पता है लोग दोनों प्रकार के परिश्रम में फंसे हुए हैं, दोनों प्रकार से परिश्रम कर रहे हैं, बोझ से दबे हुए हैं, आत्मिक भी। कुछ लोग ऐसे हैं जो मोक्ष को पाने के लिए आज भी परिश्रम कर रहे हैं, आज भी वो नाना प्रकार की चीजों को कर रहे हैं कि वो कैसे भी उद्धार पाले, कैसे भी मोक्ष पाले, पर पता है मिल नहीं पा रहा, मिल नहीं पा रहा। बहुत मेहनत करते हैं, बहुत तरीकों को अपनाते हैं कि हम ये कर्म करें, हम ये चीज करें, हम ऐसा करें तो अच्छा होगा, पर कहीं ना कहीं चूकते हैं, कहीं ना कहीं पाप करते हैं। पर आज प्रभु आपको सेंट में इस उद्धार को देना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में काम करना चाहते हैं। प्रियो, प्रभु चाहते हैं कि परमेश्वर पिता के साथ आपका रिश्ता बन जाए। प्रभु यीशु मसीह की इच्छा है कि पिता के साथ आपका एक संबंध स्थापित हो जाए, और इसलिए प्रभु कहते हैं मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। बड़ी खूबसूरत बात है प्रियो, परमेश्वर आपको विश्राम देना चाहते हैं, आपके परिश्रमों से, आपके बोझों से, आपकी तकलीफों से, आपके नाना प्रकार के कष्टों से प्रभु आपको रेस्ट देना चाहते हैं। और ये रेस्ट वो दे पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने इस रेस्ट को पाया है, इस रेस्ट को पाया है। और आज मेरे और आपके लिए द्वार खोल दिया है कि मैं और आप भी इस रेस्ट में प्रवेश कर सके, मैं और आप भी इस जीवन में प्रवेश कर सके। मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूं प्रियो। पिछले दिनों, इससे पहले मैं स्टोरी में आऊं, एक प्रकाशन आपसे बांटना चाहता हूं। पता है मैं अपने किचन के पास बैठा था, मेरी वाइफ ने मुझसे कहा पंखे पे बहुत धूल जम चुकी है और उसे साफ कर दीजिए। सो मैं ऊपर चढ़ा, मैंने पंखा साफ करा, वाकई में उस पे धूल बहुत आ गई थी, बहुत ज्यादा हैवी हो गया था, और इस कारण से वो चलता बहुत तेज था, वो घूमता बहुत तेज था, पर हम तक हवा उसकी नहीं आती थी। जब मैंने उसे क्लीन कर दिया, बिल्कुल साफ कर दिया, मेरी वाइफ का पहला शब्द था कि अब आपने देखा हवा कितनी तेज आ रही है। मैंने कहा हाँ, और पता है उसी घड़ी प्रभु की आत्मा ने मुझसे बात करी और प्रभु ने मुझे कहा, आज लोगों की लाइफ में ऐसा ही है, बहुत परिश्रम है, जैसे वो पंखा बहुत घूम रहा था, पूरा परिश्रम लगा रहा था, पर हवा हम तक नहीं पहुंच पा रही थी। आज ऐसे ही बहुत सारे जीवनों में ये परिश्रम पाया जाता है, पर पता है उनके ऊपर इतना ज्यादा बोझ है, इतना ज्यादा भार है, जिस कारण से उनकी लाइफ से वो आउटपुट नहीं आ पा रहा, उनकी लाइफ से वो आउटपुट नहीं आ पा रहा, वो आउटकम नहीं आ रहा है। और इसीलिए प्रभु ने मुझे ये वचन दिया कि आज मैं लोगों को इसलिए बुला रहा हूं। आज वो बहुत परिश्रम कर रहे हैं, उस पंखे के मानिंद घूम रहे हैं, बहुत मेहनत है, लेकिन प्राप्त कुछ नहीं हो रहा। लेकिन जब वो क्लीन कर दिया जाएगा, जब उसका सारा बोझ, जो गंदगी उसके ऊपर थी, जो भार उसके ऊपर था, जब वो हटा दिया गया, तो पता है उससे एक अच्छी हवा प्राप्त की गई। वैसे ही परमेश्वर आज के दिन में आपसे कहना चाहते हैं, प्रभु आपसे कहना चाहते हैं, आपका जब परिश्रम हट जाएगा, जब आपका बोझ आपके ऊपर से हट जाएगा, तब आपका जीवन लोगों के लिए ब्लेसिंग होगा। हालेलुया। और ये तब संभव है जब आप प्रभु के ऊपर अपना बोझ डाल देंगे, जब आप प्रभु के ऊपर अपना बोझ डाल देंगे। एक भाई ने एक गवाही दी इस वर्ष को लेके। एक भाई, जब हमारे यहाँ प्रार्थना हो रही थी, तो वो जब ऊपर चढ़ के आया प्रेयर टावर्स में, तो उसने इस वर्ष को देखा। पता है उसकी लाइफ में बहुत उथल पुथल हो गई थी, भाई एक्सपायर होके चुका था और बहुत ज्यादा परेशान था। लेकिन जैसे ही वो ऊपर चढ़ा, इस वर्ष ने, जो प्रेयर टावर के गेट पे लिखी हुई है, इस वर्ष ने उससे बात करी और उसने मन में सोचा कि क्यों ना जो बोझ मैं लेके चल रहा हूं, जो मैं परिश्रम कर रहा हूं, मैं प्रभु पे डाल दूं। और पता है वो दिन है और आज का दिन है, उसने अपनी सारी चिंता, उसने अपना सारा बोझ परमेश्वर के ऊपर डाल दिया, प्रभु यीशु को दे दिया, और प्रभु ने उसके जीवन में शांति दी,
परमेश्वर ने उसके जीवन में आनंद दिया और आज वो एक अच्छा आराधक है, आज वो परमेश्वर की आराधना करता है। बहुत अद्भुत परमेश्वर ने उसे आवाज दी है, बहुत अद्भुत आराधक है। प्रियो, आज प्रभु आपको भी पुकार रहा है, प्रभु आपसे भी कह रहे हैं मेरे पास आओ, मैंने देख लिया तुम्हारे परिश्रम को, मैंने देख लिया तुम्हारे बोझ को, आज अपना बोझ मेरे ऊपर डाल दो, मेरे ऊपर डाल दो। आप अकेले से बेयर नहीं कर सकते, इसलिए यीशु मसीह ने आगे कहा मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। पता है जुआ क्या होता है? जब बैलों को जोतने के लिए रखा जाता है उनके ऊपर एक जुआ डाल दिया जाता है ताकि वो दोनों एक साथ चल सके। हालेलुया, वो एक साथ चल सके, इसलिए प्रभु ने कहा मेरा जुआ उठा लो। पता है क्यों? क्योंकि एक साथ प्रभु आपके साथ खड़े। हालेलुया, आपको अकेले बोझ उठाने की आवश्यकता नहीं होगी, आपको अकेले परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं। जब आप यीशु का जुआ उठा लेंगे तो यीशु आपके साथ खड़े होंगे, यीशु मसीह आपके जीवन में खड़े होंगे आपके बोझ को कम करने के लिए, आपके परिश्रम को कम करने के लिए। क्योंकि प्रभु इसीलिए कह रहे हैं मेरे पास आओ। एक स्टोरी जो मैंने पढ़ी, अब मैं उसको बताता हूँ। प्रभु के बहुत अद्भुत दास है, उनकी किताब में मैंने इसे पढ़ा और मुझे बहुत आशीष मिली। एक स्त्री थी, एक लेडी थी, बहुत अच्छा डांस करती थी, बहुत अच्छा वो डांस किया करती थी और लोग उसके डांस से बहुत प्रसन्न होते थे। पर उसका जीवन अच्छा नहीं था, वो बार में और ऐसे स्थानों पे जहाँ याशी की जाती है वहाँ पे नाचा करती थी और लोग उसके डांस से सच में बहुत आकर्षित थे। तो एक दिन एक बड़ा प्रोग्राम उसके लिए अरेंज किया गया एक स्टेडियम में और उसने डांस को परफॉर्म किया और बहुत अद्भुत डांस किया। लोगों ने बहुत उसकी तारीफ करी, लोगों ने बहुत उसकी प्रशंसा करी, बहुत खुश हो गए। किसी ने उससे कहा कि तुमने बहुत अच्छा डांस किया, हम बहुत खुश हुए। पर पता है जब प्रोग्राम खत्म हुआ, जब वो लोगों से मुलाकात कर रही थी, वो लोगों के पास जा रही थी, लोग उसे अप्रिशिएट कर रहे थे, तो उसकी निगाह एक ऐसे व्यक्ति पे गई जो चुपचाप बैठा था, वो उसकी ओर ध्यान ही नहीं दे रहा था। बहुत देर हो गई उसे, कई लोगों से मुलाकात करी, सब प्रशंसा कर रहे थे, वो बार बार इस व्यक्ति को देख रही थी, बार बार देख के कहती थी पता नहीं ये क्यों नहीं देख रहा, क्या मेरा डांस इसे पसंद नहीं आया, क्या ये खुश नहीं हुआ। बहुत देर हो गई, उससे रुका नहीं गया, वो उस व्यक्ति के पास गई। उसने कहा आप मुझे बताइए क्या मेरा डांस आपको पसंद नहीं आया, आपने मुझसे कुछ नहीं कहा। पता है उस व्यक्ति ने एक प्रश्न किया, उसने कहा जितने लोग तुम्हारी प्रशंसा कर रहे हैं क्या इनमें से कोई आपके लिए मर सकता है, क्या इनमें से कोई आपके लिए जान दे सकता है। पता है इस स्त्री के पास कोई जवाब नहीं था क्योंकि ये जानती थी कि कोई नहीं दे सकता। उसने पूछा, स्त्री ने पूछा तुम कौन हो, उसने कहा मैं प्रभु यीशु मसीह का सेवक हूं। तब उसने यीशु मसीह के बारे में उस स्त्री को बताया, उसने कहा आज तुम्हारी सौंदर्य है, आज तुम सुंदर हो, आज इसलिए लोग तुमसे प्रसन्न है, तुमसे प्रेम करते हैं, तुम अच्छा डांस करती हो इसलिए तुमसे प्रेम करते हैं, पर एक समय आएगा जब तुम्हारी जवानी चली जाएगी, जब ये सुंदरता खत्म हो जाएगी, उस समय इनमें से कोई तुमसे प्यार नहीं करेगा, लेकिन तब भी एक है जो तुमसे प्यार करता है और वो है प्रभु यीशु मसीह। पता है ये स्त्री रोने लगी, ये स्त्री आंसू लेके अपनी आंखों में आ गई, बहुत रोई और रोते रोते ये घर वापस गई। उस किताब में ऐसा लिखा बर्फ गिर रही थी और ये रोती जा रही थी और इसने मार्ग में जाके एक प्रश्न परमेश्वर से किया, प्रभु यीशु से कहा प्रभु मैं तो बहुत पापी हूं, मैं तो बहुत पतित स्त्री हूं, क्या तू मुझे प्यार करेगा, क्या तू मुझे ग्रहण करेगा। पता है यीशु मसीह ने से कहा तुम जैसी हो वैसी मेरे पास आओ। और पता है ये वायलिन अपने पियानो पे बैठ गई और पियानो को बजाने लगी और एक गीत, बहुत खूबसूरत गीत इसने क्रिएट किया और हम मेथोडिस्ट के हिम्न में उसे गाते हैं, जैसा मैं हूं बगैर एक बात। हालेलुया, ये स्त्री अद्भुत रीति से बदली। जब इसने जाना कि मैं जैसी भी स्थिति में हूं मुझे प्रभु के पास आना है, प्रभु मुझसे प्यार करते हैं, प्रभु ने मेरे लिए जान दी है,
इस संसार का कोई व्यक्ति इतना प्रेम नहीं कर सकता कि वो मेरे लिए जान दे, पर यीशु ने मेरे लिए जान दी। ये इस बात की गहराई को जान गई, ये इस बात को समझ गई और इसने अपना जीवन यीशु को दे दिया। आप सोचिए, एक ऐसा जीवन जो इतना पतित था, जो इतना गिरा हुआ जीवन था, प्रभु ने उससे कहा, तुम जैसे हो मेरे पास आओ, अपना बोझ मुझे दो, जो तुम परिश्रम कर रहे हो उसे छोड़ दो, मुझ पे विश्वास करो, कम टू मी और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। बाइबल के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यीशु मसीह के पास आए प्रियो, और यीशु ने उनकी लाइफ को बदल दिया, यीशु मसीह ने उनके जीवन को बदल दिया। चाहे वो मरियम मगदलीनी थी, कितना पतित जीवन था, आप सोच के देखिए, पर जब प्रभु के पास आई, लॉर्ड ने उसकी लाइफ को बदला, प्रभु ने उसकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर दिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के पास आनंद की भरपूरी है, प्रभु यीशु के पास प्रेम है, और प्रभु ने कहा, जो मुझे जानता है वो पिता को जानता है, और पिता का प्रेम ये है जो उसने उड़ाऊ पुत्र के दृष्टांत में दिखाया। वो बेटा जो इतना पतित हो चुका था, जो इतने पाप में गिर चुका था, उसने अपना सब कुछ खो दिया, फिर जब वो घर लौटा, पिता उसका इंतजार कर रहा था, पिता उसका इंतजार कर रहा था। आज पिता आपका वेट कर रहा है, पिता कह रहा है, डोंट वरी, कैसे भी पाप हो, कैसा भी परिश्रम तुम कर रहे हो, कैसा भी बोझ तुम्हारे ऊपर है, कम टू मी, मैं वेट कर रहा हूं तुम्हारा, मैं इंतजार कर रहा हूं तुम्हारा कि तुम लौट के मेरे पास आओ, अपना बोझ मुझे दो, अपना परिश्रम मुझे दो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, क्योंकि मैंने मृत्यु को हरा दिया, मैंने मृत्यु के ऊपर जय पाई है, और इस जय में लेकर मैं तुम्हें चलना चाहता हूं। उस पिता ने अपने उस पुत्र को गले लगाया, आज मेरा स्वर्ग पिता, आपका पिता आपको गले लगाने के लिए तैयार है, पर वो कहता है, मेरे पास आओ प्रियो, मत देखिए आपके जीवन में क्या चल रहा है, मत देखिए कैसे गुनाहों में आप हैं, मत देखिए कैसी लाइफ आपकी चल रही है, पर यीशु आपको पुकार रहे हैं, यीशु आपके परिश्रम को देख रहे हैं, उसकी नजरों में सिर्फ आप परमेश्वर की संतान है, और उसका काम है कि वो आपको उस पिता से मिला दे। हालेलुया, आज पिता आपसे प्यार करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि यीशु ने आपके लिए सब कुछ पूरा किया, यीशु ने आपके लिए सब कुछ पूरा किया। आज सुबह अपने मनों को खाली करें और अपना बोझ परमेश्वर को दें, प्रभु यीशु को दें, और उसके चरणों में आ जाएं। आज कैसे भी पतित हालात में आप क्यों ना हो, मेरे भाई मेरे बहन, मैं आपसे कहना चाहता हूं, यीशु आपको इनवाइट कर रहे हैं, यीशु आपको बुला रहे हैं, इससे खूबसूरत इनविटेशन और कोई नहीं हो सकता। वो कह रहा है, आज लोग आपको शायद अपने फंक्शंस में बुलाएं, शायद आपको एक शादी के इनविटेशन को दें, शायद अपने बर्थडे इनविटेशन को दें, पर कोई ऐसा इनविटेशन आपको नहीं देता कि तुम अपना बोझ मेरे ऊपर डाल दो, कोई अपना इनविटेशन ऐसे नहीं देता कि परिश्रम करने वाले सारे लोगों मेरे पास आओ। हालेलुया, लेकिन यीशु जो एकमात्र सच्चा प्रभु है, वो कहता है, मेरे पास आओ, मेरे पास तुम्हें देने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। तुमने बहुत संसार में परिश्रम किया, मेहनत करी, कुछ भी हासिल नहीं कर पा रहे, पर मेरे पास जो तुम्हें देने के लिए है वो एक परफेक्ट लाइफ है, एक परफेक्ट जीवन प्रभु आपको देना चाहते हैं। आज सारे भार को अलग कीजिए और दौड़ आइए यीशु के पास, दौड़ के आइए यीशु मसीह के पास, उसे पुकारिए कि प्रभु मुझे तेरी जरूरत है पिता, मुझे तेरी आवश्यकता है कि मैं पिता से मेल मिलाप कर सकूं। आज इस फादर्स डे पे मैं उस स्वर्ग के पिता के पास जाना चाहता हूं, उससे मुलाकात करना चाहता हूं, जो संबंध उससे टूटा आज वो जोड़ना चाहता हूं। आज मुझे प्रभु तेरी आवश्यकता है यीशु मसीह, क्योंकि आप ही हैं जो मुझे पिता से मिला सकते हैं। प्रभु कहता है, हमारी एक आत्मा में पिता के पास पहुंच हुई है। आज पवित्र आत्मा आपके जीवनों में काम करने के लिए तैयार है। आज पवित्र आत्मा आपके हाथों को थाम कर पिता के हाथों से मिलाने के लिए तैयार है। अपना हाथ बढ़ाइए प्रभु की ओर, अपना हाथ बढ़ाइए प्रभु की ओर, और कह दीजिए, प्रभु
मैं यहाँ हूँ, मैं आना चाहता हूँ आपके पास। बहुत बोझ है पाप का, गुनाह का, तकलीफों का, कलेशों का, आज मेरे बोझ को आप ले लीजिए प्रभु। आज मेरे जीवन से इस बोझ को हटा दीजिए, हटा दीजिए। मैं आज विनती करना चाहता हूं प्रभु, यीशु मसीह के पास आ जाइए। यीशु आपका इंतजार कर रहे हैं, यीशु मसीह आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, आपका वेट कर रहे हैं, बाहें फैला के आपका इंतजार कर रहे हैं। कम टू जीसस, यीशु के पास आइए। अपनी आंखों को बंद करिए, प्रभु यीशु मैं समय प्रार्थना करता पिता। सच में प्रभु यीशु वचन कहता है हम सब भेड़ों के नाई भटक गए थे और आपने हमारा भार प्रभु पे डाल दिया कि हम जो भटक गए वो आपके राज्य में आ सके, हम जो खो गए पिता आपके पास पहुंच सके। प्यारे प्रभु यीशु दिल से धन्यवाद करता हूं आपकी कुर्बानी के लिए, धन्यवाद करता हूं प्रभु यीशु आपके प्रेम के लिए, आपकी दया के लिए, आपकी करुणा के लिए प्रभु जो हमारे ऊपर प्रबल है। धन्यवाद करता हूं यीशु आज कि आप अपने लोगों से बिना किसी भेदभाव के प्रेम करते हैं प्रभु। आप नहीं चाहते उनसे कुछ भी इस प्रेम के बदले में, प्रभु आपका प्रेम कुछ भी डिमांड नहीं करता पिता, आपका प्रेम कुछ भी डिमांड नहीं करता। आज संसार के लोग यदि हमसे प्रेम करते हैं तो हमसे डिमांड करते हैं चीजों की कि हम भी बदले में उनसे प्रेम करें, हम उनकी चीजों में सहभागिता करें। पर लॉर्ड आपका प्रेम हमारे लिए अपार है। प्रभु आपका वचन कहता है कि आपने हमें अपना पुत्र होने का अधिकार दिया है और हम आपकी संतान ठहरे, और ना जाने अभी क्या कुछ ठहरेंगे पिता। ऐसा प्रेम आपने हमसे किया, और प्रेम तब किया जब हम पापी ही थे, जब हम गुनाहों में थे। प्रभु आपका वचन बताता है परमेश्वर, आपने कहा कि परमेश्वर ने हमें उस समय प्रेम किया जब हम पापी थे और अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए कुर्बान होने के लिए दे दिया ताकि हम जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। हाँ प्रभु आपके वचन में लिखा है चोर चोरी करने, घात करने, नाश करने, हत्या करने आता है, पर आप इसलिए आए कि आप हमें जीवन दें और बहुतायत का जीवन दें। आज चोर ने प्रभु बहुत कुछ चुरा लिया है, परिवारों से शांति आनंद सब कुछ छिन गया है पिता, लोगों के जीवन से सब कुछ चला गया है। आज चाहता हूं प्रभु आप बहुतायत का जीवन दें, बहुतायत का जीवन दें। आपके वचन में लिखा है प्रभु आप शैतान के कामों का नाश करने के लिए संसार में आए। आप बहुत परेशान हैं, अपनी बेटी को लेकर बहुत चिंतित हैं। प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनेंगे, प्रभु यीशु के पास आए, अपनी लाइफ परमेश्वर को दें, अपना जीवन प्रभु को सौंपें। प्रभु आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करेंगे, प्रभु यीशु आपके जीवन को बदलेंगे, आपकी परेशानियों को हटाएंगे। कम टू जीसस, यीशु के पास आए, यीशु के पास आए, यीशु नासरी के पास आए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। मैं एक बहन को देख रहा हूं जो बहुत रो रो के इस समय विनती कर रही है, इस समय वो अपने हस्बैंड के लिए आंसू बहा रही है और प्रभु आपकी प्रार्थना को सुन रहे हैं। बहन प्रभु की सामर्थ आपके जीवन में आपके हस्बैंड के ऊपर उतर के आ रही है प्रभु यीशु के नाम में। प्रभु चंगा करे प्रभु, मैं विनती करता पवित्र आत्मा इसी घड़ी उनके स्थान पे उसे चंगाई दे प्रभु, छुटकारा दे, आजाद करे परमेश्वर। हर एक शैतान का बंधन यीशु मसीह नासरी के नाम से टूट जाए, डिस्ट्रॉय इट इन जीसस माइटी नेम, इन जीसस नेम। प्रभु ये प्रार्थना है
कि आज के दिन इनके बंधन टूट जाए यीशु, फॉर योर ग्लोरी प्रभु, आपकी महिमा के लिए, आपके नाम की महिमा के लिए परमेश्वर प्रभु, क्योंकि आप सामर्थी हैं, क्योंकि आप आश्चर्यकर्म करने वाले परमेश्वर हैं। हाँ प्रभु, जो आपका हाथ थामता है वो ना कभी गिरेगा प्रभु, ना वो कभी लज्जित होगा, वरन प्रभु आप उसके साथ खड़े होकर उसके जीवन को तब्दील करेंगे, उसे आश्चर्य कर्मों का जीवन देंगे। प्रभु मेरी प्रार्थना है, जितने लोग हैं आप इन सबको ब्लेस करें, सामर्थ से ब्लेस करें, सामर्थ से ब्लेस करें, सामर्थ से ब्लेस करें। जीसस, हालेलुया, जीसस, जीसस, हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रिय आप रिसीव करें से, ये अभिषेक है जो आपके जीवनों का जुआ तोड़ेगा, ये अभिषेक है जो आपके परिवारों से जुए को तोड़ देगा, ये अभिषेक है जो आपके हर एक क्राइसिस को तोड़ेगा, हर एक बीमारी के जुए को तोड़ेगा। यीशु मसीह के नाम में इसे रिसीव करें, इन जीसस नेम आई डिक्लेयर इट, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, आमेन।